पर प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां मंत्री के बेटे की गुंडागर्दी के मामले में रेस्टोरेंट मालिक ने मंत्री के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे ने जिस तरह से विवाद किया उसका वीडियो भी आया था। अब इस मामले में नया मोड़ आया है, नई खबर मिल रही है। रेस्टोरेंट मालिक ने नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे पर आरोप लगाए हैं कि बिना वजह गुंडागर्दी की, सिर पर रॉड से मारा, हमला किया गया। मंत्री के बेटे के साथ मौजूद जितने भी उसके साथी थे वो सभी नशे में थे, ये रेस्टोरेंट मालिक का कहना है। मंत्री के बेटे ने हमें धमकी भी दी, रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि उसने हमें धमकी दी। आपको बता दें, भोपाल में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर, उनके नरेंद्र शिवाजी पटेल के एक बेटे पर आरोप है कि उसने इस तरह से विवाद किया और उसका वीडियो भी विवाद का सामने आया है। ये बड़ी खबर भोपाल में। हालांकि पुलिस ने दोनों ही पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कर ली है और दोनों के शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई भी पुलिस अब जुड़ गई है। कार्रवाई में फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल पर यह आरोप है और अब रेस्टोरेंट संचालक ने बड़ा बयान दिया है। उसने आरोप लगाए हैं उन्होंने कि मंत्री के बेटे ने हमें धमकी भी दी और जितने भी उसके साथी थे, उसके साथ जो मंत्री के बेटे के दोस्त थे, वो सभी नशे में थे और नशे में उन्होंने विवाद किया, मारपीट की, गुंडागर्दी की और देख लेने की धमकी दी। ये गंभीर आरोप रेस्टोरेंट संचालक ने लगाए हैं। राजधानी भोपाल में बीजेपी के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है और जिस दंपति के साथ ये गुंडागर्दी हुई है, फिलहाल मैं उनके साथ मौजूद हूँ, जो रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं डेनिस मार्टिन, उनकी वाइफ अलीशा सक्सेना, मैं उनके साथ फिलहाल मौजूद हूँ और शायद आप सर को देख पा रहे होंगे, उनके सर पर चोट लगी हुई है और अभी वो ड्रेसिंग करवा के ही हॉस्पिटल से लौटे हैं। पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह रही जो इतनी गुंडागर्दी पर मंत्री के बेटे उतर आए। सर, जो रात का हादसा था, शुरू से मैं जानना चाहूंगी हुआ क्या था, किस वजह से मामला इतना ज्यादा बढ़ गया। मैम, शनिवार की रात तकरीबन 7:30 से 8 बजे के बीच, जो नॉर्मल हमारा रेस्टोरेंट में आने का टाइम है, हम आए। हमारे रेस्टोरेंट में डिनर वगैरह की प्रिपरेशन चल रही थी, हमारा टिफिन सेंटर भी चलता है मैम, तो हम नॉर्मल अपनी तैयारी कर रहे थे। बाहर से एकदम से चिल्ला चौट, गाली गलौज की आवाज़ आई तो मेरी वाइफ ने बाहर जाके देखा। मेरी वाइफ ने तुरंत मुझे अंदर आके इन्फॉर्म किया कि बाहर जाके देखो, 4 से 5 लड़के, एक कोई एक्टिवा पे आदमी है, अकेला आदमी है, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। तो मैंने भी बाहर जाके जैसे ही देखा तो मैंने सेम चीज़ मैंने भी देखी। मेरी वाइफ अंदर बाउंड्री में थी, मैं गया अपनी बाउंड्री क्रॉस करके, मैंने जाके उन लोगों से बात करी कि भैया अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको बातचीत से आप हल कर लो, ये कोई तरीका नहीं होता है कि आप इतने सारे लोग मिलकर एक आदमी को मारो। इतने में मेरी वाइफ ने पीछे से बोला कि तुम लोगों को ये शोभा देती हैं कि ये सब चीज़ें, तो ये मंत्री जो भी हैं, हम तो किसी को जानते नहीं थे, हम तो अपना एक नॉर्मल व्यवसाय करते हैं, ये मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे के जो दोस्त थे, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहने हुए थे, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी का शौक उन्हें ही चढ़ा था और लग भी रहा था कि उन्हें बहुत शौक है गुंडागर्दी करने का। तो मेरी वाइफ के पास आके बोलते हैं कि तू कौन होती है बीचों बोलने वाली, अगर तू अगर बीचों बोलेगी हमारे काम में टांग अड़ाएगी तो हम तेरा रेस्टोरेंट गायब कर देंगे, तुझे गायब करेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मैंने उसका विरोध करा कि तू मेरी वाइफ से ऐसे कैसे बात कर सकता है, तो उसने मुझसे मारा पीटी चालू करी। तो विरोध में मैंने भी उसको जवाब दिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो टोयोटा इनोवा MP04TA2488 जिसमें ये सब सवार थे, तो उसके बाद यहाँ पर मेरी दुकान के बाहर एक गमला रखा रहता है, उन्होंने वो फ्लावर पॉट गमला, बहुत हैवी गमला, वो उठा के उन्होंने मेरे सर पर मारा। तो मेरी स्थिति सामान्य नहीं रही। उसके बाद जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला तो पीछे से उनका एक, ये जो मंत्री जी के बेटे हैं, इन्होंने रॉड से मेरे सर पर वार किया, एक नहीं दो वार किए, एक को तो मैंने बचा लिया था, दूसरा मेरे लग गया था। उसके बाद मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी मैम सर से, उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया था, मुझे लोगों ने पकड़ा संभाला, जब तक तो ये लोग अपनी कार में बैठ के जा चुके थे। आप थाने पहुंची थी, थाने में क्या हुआ, थाने में भी क्या कोई गुंडागर्दी हुई थी, क्योंकि मंत्री खुद भी वहां पर पहुंचे थे, क्या रिएक्शन था पुलिस का, और क्योंकि आपके साथ भी एक तरह से बदतमीजी हुई है। बदतमीजी नहीं, उन्होंने मेरे सर पे भी रॉड मारी थी, क्योंकि ये तो अनकॉन्शियस हो गए थे, तो हमारे कुक को भी उन्होंने मारा और मुझे भी उन्होंने वही रॉड मारी, तो जिससे मेरा चश्मा पूरा टूट गया था और वो कांच मेरे आँख के अंदर भी गया और यहाँ पे भी पूरा मुझे लगी है। तो और वो लोग, अगर मैं उस टाइम अपनी जान बचा के नहीं भगती तो वो मेरे साथ कुछ भी
बहुत कुछ गलत हो सकता था, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा, पता नहीं शराब का नशा तो मैं नहीं बोलूँगी, कौन सा नशा था वो उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा, वो लोग क्या कर रहे थे वो लड़के लड़कियाँ, मतलब इतने ज़्यादा बदतमीज़ गुंडागर्दी, और मतलब जैसे उनके आगे पूरी दुनिया मतलब उनके पैरों के नीचे है, किसी को कुछ भी नहीं समझना, बार बार बोलना मंत्री का बेटा हूँ और मैं ये कर दूंगा, हमें तो पता भी नहीं था कि कौन मीडिया वाला है कौन मंत्री वाला है, हम तो एक नॉर्मल एक ह्यूमैनिटी के नाते सिर्फ किसी की जान बचा रहे थे कि किसी को आप इतने बुरे तरीके से क्यों मार रहे हो। थाने में क्या हुआ, थाने में किस तरह का रिएक्शन? थाने में रिएक्शन, थाने वालों को पूरा उनके मंत्री जो भी थे, हमें नहीं पता था कौन मंत्री है क्या, हमें कोई उससे राजनीति कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो एक नॉर्मल बता रहे हैं कि वो लोग भी वहाँ आए, उनके पापा जो भी मंत्री हैं, हमें कुछ भी नॉलेज नहीं था, उन्होंने वहाँ आके उन लोगों को पुलिस वालों को धमकाया, वहाँ पुलिस वाले सुनने में आए कि वो भी सस्पेंड हुए हैं, और वो लोगों ने कोई हमारी मतलब FIR एक तो 307 होनी थी, क्योंकि ये जानलेवा हमला है कि मतलब 1250 से फिर दूसरे हॉस्पिटल रेफर करा गया है उस दिन, और इतने स्टिचेस आए, इतना गहरा घाव है उसके अंदर पर, और मेरे साथ इतना मिसबिहेव, इतनी बदतमीजी, इतना कुछ हुआ है, उसकी भी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई है, ये दोनों चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं लिखी गई। उसके बाद क्या बातचीत हुई, क्योंकि जब ये मामला वायरल हुआ तो फिर लगने लगा कि हालांकि जो गलत था वो सबके सामने आया, उसके बाद अभी तक कुछ डेवलपमेंट हुआ है, क्या धाराएं बढ़ाई गई हैं? हमारे जो मेडिकल रिपोर्ट है हमें वही प्रोवाइड नहीं करी गई है अभी तक। कल माननीय जीतू पटवारी जी आए थे, PC शर्मा जी आए थे, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम रोजमर्रा की लाइफ में अपने इतने बिजी रहते हैं कि हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारी मदद के लिए जो आगे आया हम उनका तो हमेशा धन्यवाद करेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा, मैं हम तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हम अपनी विधानसभा के MLA जी के पास जाएंगे, माननीय आर्य मसूद जी के पास जाएंगे, वहाँ से हमें न्याय नहीं मिलेगा हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, अगर वहाँ से भी हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम PMO ऑफिस तक अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम उनको सिर्फ एक चीज़ का एहसास दिलाना चाहते हैं जो बार बार हमसे बोला गया था कि तुम हमारा क्या कर लोगे, तो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, एक मानव का जो मानव अधिकार है हम बस सिर्फ उसको इस्तेमाल करेंगे, और हम देखेंगे कि कानून की न्याय व्यवस्था इतनी खोखली हो गई है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, उन लोगों की नेतागिरियों की रंगदारी चल रही है वो करते रहेंगे, ऐसे ही पैरों तले लोगों को रौंदते रहेंगे, लेकिन जो हमारा अधिकार है हम उसको तो यूज़ करके देखेंगे ना। तो शायद जो ये फैमिली है ये यहाँ पर सिर्फ मानवता के नाते किसी की मदद करने जा रही थी, लेकिन शायद मंत्री के बेटे होने का गुरूर था या फिर क्या था जो समझ नहीं आया। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी मामूली धाराओं में इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है, मंत्री के बेटे को फिलहाल अभी कुछ भी नहीं हुआ है, पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, और एक ये परिवार है जो कि न्याय मांग रहा है, उनके सर पे लगी हुई है, उनको चोट पहुंचाई गई है, लेकिन जिसकी गलती थी वो अभी तक जो है वो खुलेआम घूम रहा है, और शायद आगे एक और बार ये मामला हो सकता है और भी ऐसी घटनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में और भी ज़्यादा बढ़ावा जब मिल जाता है जब इसको लेकर कोई कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। VD शर्मा ने कहा है कि किसी के पास गुंडागर्दी करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसने भी गलत काम किया है उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे कोई भी काम करने का किसी को न मुझे अधिकार है न किसी को अधिकार है, दूसरे पक्षों उनको भी अधिकार नहीं है गुंडिज्म करने का, अधिकार किसी को भी नहीं है, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, जिसने गलत किया होगा उस पर प्रशासन गंभीरता से अपना निर्णय करेगा। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हम, बातचीत करेंगे हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है खबर पर। अमृतांशी, जिस तरह से इस पूरे मामले में रेस्टोरेंट संचालक दंपति जो आरोप लगा रहा है उनकी बात बिल्कुल अपनी जगह सत्य है, लेकिन मुझे 4-5 साल पुराना वो किस्सा याद आ रहा है जब कमलनाथ सरकार में मंत्री थे प्रद्युमन सिंह तोमर और उनके बेटे ने एक अपनी गाड़ी से किसी को टक्कर मार दी थी, उन्होंने बाकायदा ऑन एयर मैंने उनसे बात की थी और माफी मांगी थी कि मेरे बेटे से गलती हुई है और उसकी तरफ से मैं उसके बिहाफ पे माफी मांगता हूं। अच्छा होगा, एक अच्छा जेस्चर होगा, नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद आगे आ जाएं और माफी मांग लें कि ठीक है साहब हो गई बातचीत है, बच्चे हैं नौजवान हैं गलती हो गई, इस तरह से दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, थाने में अगर ये होता दीपक जो आप कह रहे हैं कि नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने बेटे की गलती वहां मानते कि उनके बेटे ने देखिए मारपीट की है, क्योंकि जो रेस्टोरेंट संचालक हैं उनका साफ तौर पर आरोप है और CCTV फुटेज भी उसमें सामने आए हैं कि किस तरह से
गमला उठाकर सीधा उनके सर पे दे मारा। उनका आरोप है कि रॉड भी मारी। जाहिर सी बात है, सर में टाके आए हैं, काफी ज्यादा लगी है। अगर एक मंत्री पद पर होने के नाते या कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन होने के नाते अगर वहां पर एक पिता अपने पुत्र की गलती मानते, उनको डांटते, तो शायद वो एक बहुत वाकई में अच्छा जेस्चर होता कि उन्होंने गलती मांगी है, और शायद जो पीड़ित पक्ष है उनके भी दिल को एक सहानुभूति होती। और वाकई में पीड़ित पक्ष ने ये बात कही भी है कि अगर वो उस दिन एक बार अगर माफी भी मांग लेते, अगर अपने बेटे की गलती को मान लेते, तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से जो है पीड़ित पक्ष ने बात बताया है कि मंत्री के बेटे ने वहां पर किस तरह से जो है थाने में भी बहुत बवाल किया, थाने में भी बार बार मंत्री के जो बेटे हैं उनकी ओर से धमकाया जा रहा था, जो अभिज्ञान है वो बार बार धमकी भी दे रहे थे, और ऐसे में धमकी दे रहे थे, तो जाहिर सी बात है पीड़ित पक्ष में अभी भी एक डर बना हुआ है। लेकिन आखिर क्यों ये मामला इतना बड़ा हुआ? कोई बिना वजह जो है एक ये मारपीट हुई है, जबकि ना तो पीड़ित पक्ष ना ही जो मंत्री के बेटे हैं वो इनको जानते थे। सिर्फ एक मामूली से बात से बातचीत पर जो है इतना ज्यादा जो है वो बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन अगर उस दिन रात में जो है एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिस तरह से मारा गया है वो पूरी तरह एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसमें 307 धारा लगनी थी जिसमें नहीं लगी है। इसके अलावा कोई और धाराएं लगाई गई हैं, वो पूरी तरह एक बेलेबल ऑफेंस है जिसमें सिर्फ 3 साल की सजा है और कुछ जुर्माना है। पीड़ित पक्ष का फिलहाल ये कहना है कि 307 की धारा कम से कम लगाई जानी चाहिए, क्योंकि महिला के साथ भी इस पूरे मामले में बदतमीजी हुई है। इसी कारण यहां पर उनका ये भी कहना है कि इसको लेकर भी खास तौर से धाराएं और बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन देखिए, धाराएं नहीं बढ़ाई गई, बहुत ही मामूली से धाराएं लगाई गई, पहला। दूसरा, पीड़ित पक्ष को काफी समय तक वहां पर जो है वो FIR दर्ज करवाने के लिए वेट करना पड़ा, लेकिन दोनों ही पक्षों पर FIR हुई है, क्योंकि ये भी आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए मामला थोड़ा उलझा हुआ जरूर है। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या कुछ इस पर मंत्री का रिएक्शन सामने आता है, क्योंकि अभी तक आया नहीं है, और क्या कुछ चीजें आगे इसमें देखने को मिलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमृतांशी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। कोटशाला और कमाल मौला मस्जिद परिसर के ASI सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है, और साथ ही SC ने यह भी कहा है कि सर्वे के दौरान परिसर में खुदाई का काम न किया जाए। भोजशाला में सर्वेक्षण चल रहा था, इस सर्वेक्षण को लेकर मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने एक SLP दायर की थी। उस SLP दायर पर अभी एक निर्णय दिया है कि भोजशाला में जो वैज्ञानिक सर्वेक्षण का कार्य ASI द्वारा किया जा रहा है, इस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, सर्वेक्षण जारी रहेगा। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया है। आपको बता दें, पूरा मामला माधवगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक घर से बंद संदूक में बुजुर्ग का शव बरामद हुआ। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने बुजुर्ग के साथ रह रही नाबालिग से पूछताछ की। पूछताछ में नाबालिग ने कई बार अपने बयान बदले, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। आरोप है कि नाबालिग लड़की अपने दादाजी की ओर से लगाए जा रहे प्रतिबंध से नाराज थी, जिसके बाद नाबालिग ने हत्या की साजिश रची। पहले बुजुर्ग को नींद की गोली खाने में मिलाकर खिलाई, जिसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस नाबालिग से पूछताछ में जुटी है। के दौरान मृतक के नाबालिग जो पोती थी उससे पूछताछ की गई, और पूछताछ पर ये तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक को 24 तारीख को जो है जो दादाजी यहाँ पे ग्वालियर उनके घर पर आए थे, और नाबालिग पोती जो है लगातार सोशल मीडिया और फ़ोन पे बात करती थी, तो फ़ोन की बात पर से उन्होंने उसका फ़ोन छुड़ा कर तोड़ दिया था, गिरा दिया था, तो और थोड़ा एक दो थप्पड़ वगैरह भी मार दी थी उसको। तो इस बात से नाराज होकर उसने नींद की दवा हलवा मिला के उनको खिला दिए, और जब वो अर्ध बेहोशी की हालत में आए तो उनको जो है पलंग पेटी के अंदर गिरा दिए, और पलंग पेटी में उनकी गर्दन के ऊपर गर्दन भी दबा दी। तो ये तथ्य सामने आए, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकरण में जो नाबालिग पोती थी अपचारी बालिका, उसको गिरफ्तार किया गया और बाल संप्रेक्षण गृह विदिशा में भेजा। गरियाबंद में अवैध रेत उत्खनन का मामला सामने आया है, जहां अवैध रेत उत्खनन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, ये कार्रवाई राजिम SDM अर्पिता पाठक ने की है। वहीं प्रशासन की दी गई दबिश से खनन माफिया में हड़कंप मच गया है, और खनन माफिया मौके से फरार हो गए।
फिलहाल प्रशासन अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। राजनांदगांव में बिजली गुल होने से रोपवे ट्रॉली हवा में लटक गई। मामला मां बम्लेश्वरी मंदिर का है, जहां रोपवे से मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं की सांस उस वक्त अटक गई जब बिजली गुल होने से रोपवे 4 से 5 मिनट तक हवा में ही लटकता रहा। इधर ट्रॉली में कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित तमाम लोग सवार थे, जिसके बाद जनरेटर चालू कराकर रोपवे को चालू किया गया। तो बेहद एक बड़ा हादसा होने से बच गया इस हादसे में। हालांकि जिस तरह ट्रॉली हवा में लटकती रही 5 मिनट तक, ये तस्वीरें उसी जगह की है, राजनांदगांव की मां बम्लेश्वरी मंदिर की रोपवे ट्रॉली, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं वो इसी रोपवे के ज़रिए इसमें बैठकर जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए डोंगरगढ़ में। और चूंकि पहाड़ी पर स्थित है यह मंदिर, और बिजली गुल होने से बताया जा रहा है ये हादसा हुआ। खबर इंदौर से है, जहां एमआईजी पुलिस थाना क्षेत्र से मारपीट का वीडियो सामने आया है। विवाद का कारण कमेंटबाजी करना बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि कार से जा रहे युवक युवती पर बाइक सवार कुछ लोगों ने कमेंट किया। कमेंट के बाद विवाद की स्थिति हो गई। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। मंदसौर में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान की जा रही अनियमितताओं से नाराज लोगों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। ये ओवरब्रिज संजीत नाका पर स्थित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने ब्रिज निर्माण के दौरान सर्विस रोड बनाने के लिए आसपास खुदाई की, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों के घर के सामने 5 फीट तक सड़कें खुदी हुई। लोगों को सड़कें खुदी होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि सड़क का निर्माण कार्य जल्द से जल्द किया जाए, ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। अशोक खांडवा है, गली नंबर 1 से बोल रहा हूँ। ना पानी की सुविधा, ना नल की सुविधा, ना रोड की सुविधा। 2 महीने तक खोद रखा, ना बच्चे स्कूल जा पा रहे, ना पानी का टैंकर आ पा रहा है, तो हम कैसे क्या करें? इसलिए आज धरना लगाया हमने। आज धरना यूँ लगाया है कि हम 2 महीने से परेशान है। ये सर्विस लेन ठेकेदार ने खोद दिया। जब ठेकेदार खोद रहा था तो उससे पूछा तो उसने कहा 10 दिन में मैं रोड बना दूंगा। वह रोड खोद कर भाग गया। देखिए आप, चार चार, साढ़े चार चार, पाँच पाँच फीट गहरा उसने पूरी खाक खोद दी। अब इनके बच्चे घरों में कैद हो गए, इनके 2 लेन 4 व्हील लेन वाहन घरों में कैद हो गए। जी ये रोड जाम सर इसलिए कर रखा है, 2 महीने से हम परेशान है, गड्ढा खोद रखा है। पहले ब्रिज बन रहा था तो भी हमने बहुत मन मारा कि ब्रिज का काम चल रहा है। अब ब्रिज बनने के बाद 2 महीने से गड्ढा, न पानी आ रहा, न दूध वाले आ रहे, न कचरा गाड़ी आ रही, न बच्चे स्कूल जा रहे, न साफ सब्जी आ रही। तो क्या हम कोरोना में आ गए क्या है? अब उधर रेलवे वाले ने भी खोद दी रोड, तो हम जाएंगे क्या? आसमान से उतरे चढ़ेंगे क्या? बढ़ते अगली खबर की ओर। बुरहानपुर की शासकीय महाविद्यालय में प्रोफेसर पर परीक्षा के दौरान छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे हैं। छात्रा ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर प्रोफेसर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने प्रोफेसर को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कुछ बच्चे हंगामा कर रहे हैं, इसी बात में वहाँ जाती है हमारे यहाँ बल्ब मैंने पहुँचाया। वहाँ जाकर पता चला है कि शिक्षक मेरे जवान करते हुए वो कुछ मंडे से लग रहा है। अभिनेता ठीक की गई है और फिलहाल में उसकी जाँच की जा रही है। लड़की उसके शिक्षक के संबंध में रिपोर्ट कर दी है। हम सभी लोग एक ही से हैं। हमारे को सूचना मिली थी कि शासकीय महाविद्यालय बुरहानपुर में एक छात्रा के साथ छेड़खानी की गई है सर द्वारा, जो नशे में थे। उसी को लेकर हम थाना शिकारपुर पहुँचे। कौन से सर? सर भाई मतलब पढ़ाते हैं, बाकी अभी सस्पेंड है, फिर भी वो आ रहे हैं और छात्राओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। छात्रा का कहना है कि सर द्वारा एक दूसरी छात्रा से पूछा गया कि वो लड़की आई नहीं आज, और आके फिर उसके पास खड़े। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है, छत्रपति शिवाजी महाराज शासकीय महाविद्यालय जो शाहपुर रोड पर है। वहाँ पर बीबीए के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वहीं पर एक छात्रा के साथ किसी सर के द्वारा, वो नशे में थे, तो उसके साथ छेड़छाड़ हुई।
तो वही विद्यार्थी परिषद पहुंचा और देखा कि मामला क्या है और उसी की आज थाने में रिपोर्ट कर रहे हैं। कौन से सर? सर का नाम कोई चौहान करके बता रहे हैं। सीधी की बेटी हीना को अपने करियर को लेकर काफी चिंता है। वो डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन सीधी में ना तो मेडिकल कॉलेज है ना ही कोई ऐसे संसाधन है जिसके माध्यम से उसके सपने पूरे हो सके। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है जिसके चलते बाहर जाकर वो प्राइवेट कॉलेज में मोटी फीस जमा कर पढ़ाई करना चाहती है लेकिन वो संभव होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल जनसंपर्क में पहुंचे थे और इस दौरान हीना ने अपने घर के हालातों और पीड़ा को व्यक्त किया कि आगे की पढ़ाई कोई करा दे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये भरोसा खुद कमलेश्वर पटेल ने दिया। एनडीटीवी ने खास बातचीत की उनसे, सुनिए। सीधी जिले की एक बेटी हीना जो पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन सीधी में संसाधनों की कमी है, न तो नर्सिंग पढ़ाई के कोई पुख्ता इंतजाम है और न ही मेडिकल कॉलेज एवं अन्य व्यवस्थाएं हैं। कल चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कमलेश्वर पटेल पहुंचे और हीना ने अपनी पीड़ा बताई और वह पीड़ा वास्तविक में सबको रुला देने वाली है। कारण यह कि यहाँ कोई ऐसे संसाधन नहीं। आज हम हीना के साथ ही हैं और बात कर लेते हैं कि क्या विषय था, किस बात को लेकर के ऐसे भाव व्यक्त किए गए। हीना, कल कुछ ऐसे जो कमलेश्वर पटेल आए थे कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनसे बात हुई, तो क्या विषय है, क्या बनना चाहती हैं आप? जी, जैसा कि सर हम लोग अभी 12th का पेपर दिए हैं तो हम लोग नर्सिंग का कोर्स करना चाहते थे लेकिन यहाँ कोई कॉलेज नहीं है मेडिकल जिसमें हम लोग मतलब नर्सिंग का कोर्स कर सके। बीएससी नर्सिंग करना था लेकिन उसके लिए भी यहाँ मतलब बीएमएलटी डीएमएलटी हो रहा, बीएससी नर्सिंग का कोई कोर्स नहीं है। कॉलेज गए पता करे, वो बोल रहे दूसरे कॉलेज से करवा देंगे, मार्कशीट वहां से मिलेगी। ये मतलब ऐसे में सर 80,000 रुपए फीस हमारे घर में इतनी वो नहीं है, मतलब मेरी फैमिली या मेरे पापा या भाई इतने वो नहीं अफोर्डेबल नहीं है कितना मतलब पैसा दे पाए। ऐसा मेरी मैं बस नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड लोग भी करना चाहती थी बट उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है ये मतलब कोई कर ही नहीं सकता इतना पैसा। अरे एक बच्चे पे कोई अगर किसी की पेरेंट्स एक बच्चे पे 80,000 रुपए लगा रही है, वो भी दूसरे कॉलेज से मान्यता दिला रहे हैं, वो भी अब बाई चांस ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया ही नहीं, पेपर ही नहीं हुए, लेकिन पैसों के अभाव में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बस यही बात रखना चाहती हूँ कि हम लोगों को पढ़ाया जाए, जो भी बच्ची बच्चे छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और किसी भी सरकार किसी की भी उससे कोई मतलब नहीं है, जो पढ़ाएगा जो शिक्षा देगा वही हमारे लिए अच्छा होगा। उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या वापसी आपकी कुछ? जी, वो बोले कि तुम टेंशन मत लो, मत रो, हम लोग तुम्हारे हेल्प करेंगे, तुम लोगों को पढ़ाएंगे, तुम्हारी बात को आगे ले जाएंगे, यही बात बताए हम लोगों को। उन्होंने उतना ही प्रोत्साहन किया, अच्छे से बात किया, समझाया टेंशन मत लो, पढ़ाएंगे हम लोग पढ़ाएंगे। जितने भी लोग थे वहाँ पे बहुत सारे और लोग थे, सर भी थे, कमलेश्वर सर भी थे, उन्होंने यही सब बताया। बस यही है, यही गुजारिश है आप लोगों से कि बस हमारी बात को आगे बढ़ाया जाए और हम लोगों को इतना मतलब अधिकार दिया जाए, सीधी जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, सिविल सर्विसेज की भी पढ़ाई यहाँ भी स्टार्ट हो और जो बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। ये हीना का दर्द आप साफ तौर पर देख रहे हैं, झलक रहा है कि यहाँ मेडिकल कॉलेज जल्दी खुले, जो सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी हो और हम नहीं, हमारे जैसे जो बच्चियां हैं जो पढ़ना